एसीएफ समरंजन महापात्र मृत्यु मामला रे क्राइमब्रांच शनिवार दिन गजपति डीएफओ संग्राम केशरी बेहेरा को माराथन जेरा करिछि। परलाखेमुंडी पुलिस गेस्ट हाउस रे चलितबा क्राइमब्रांच अस्थायी कार्यालय रे 4 जणिया टीम डीएफओ को दिन 11टारू 2टा पर्यंत प्राय 3 घंटा धरी जेरा करथिले। अडुआ सूतारे छंदी होइतबा एही रहस्यजनक मृत्यु घटना रे क्राइमब्रांच एबे सुद्धा किछि थळकूल पाउनथिबा बेले आवश्यक पडिले सौम्यको पत्नी विद्याभारती और डीएफओ श्री बेहेरांको लाइ डिटेक्शन टेस्ट करा जिवो बोली क्राइमब्रांच अधिकारी सूचना दैछन्ती। शनिवार डीएफओ श्री बेहेरा को विभिन्न दिगरु गोटी गोटी करी प्रश्न करथिले क्राइमब्रांच अधिकारी। मृत एसीएफ समरंजन पत्नी विद्याभारती संपर्क कार्यस्थल में एसीएफ को हैरान करवा, जाशुणी रात्रि ड्यूटी नियोजित करवा, कार्यस्थल में मानसिक चाप सृष्टि करवा एवं घटना दिन परलाखेमुंडी मुख्य चिकित्सालय में सौम्य प्राथमिक चिकित्सा चलता बेले डीएफओ उपस्थित थिबा एवं जमानबंदी नेबा बेले मध्य उपस्थित रही मजिस्ट्रेट को प्रभावित करथिबा नै परिवार लोके आनिथिबा अभियोग आधार में माराथन जेरा करथिला क्राइमब्रांच। हॉस्पिटल रे सौम्य जमानबंदी नेला बेले डीएफओ उपस्थित थिले बोली जेरा बेले से स्वीकार करछन्ती, किंतु जमानबंदी रे कोन लेखा जाइतला से ताहा जानि नथिबा बोली कहिसन्ती क्राइमब्रांच डीएसपी ज्ञानरंजन मिश्रा एनै सूचना दैछन्ती। सौम्यरंजन को डीएफओ जानि सुनी नाइट ड्यूटी रे पकाउतवा नै जेउ अभियोग होइतला जेरा बेले एही अभियोग को से खंडन करछन्ती। विद्याभारती सह तांकर संपर्क नथिला बोली डीएफओ कहितबा नै सूचना मिलिछि। तेबे गणमाध्यम को किछि कहबाकू मना कर दैथिले डीएफओ संग्राम केशरी बेहेरा। से जहाँ कहबा कथा तदंतकारी टीम को कहि सारिछन्ती बोली कही एडाई जाइथिले। क्राइमब्रांच तदंत दायित्व नेबा परठारू ए पर्यंत डीएफओ को मिसाई 16 जन को जेरा कर सारलेनी। सेपटे डीएफओ को जेरा पर विद्याभारती को क्राइमब्रांच टीम डाकी पारे बोली चर्चा जोर धरलानी। घटना रे अनेक लोकों को जेरा करा जाइछि, तेबे विद्याभारती को केबे जेरा करछि क्राइमब्रांच ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। एसीएफ रहस्यजनक मृत्यु घटना को इतिमध्ये 40 दिन बीती सारी। घटना रे अनेक बड़ हस्ती कथा वर्तमान सामना को आसला, तेणु क्राइमब्रांच वर्तमान किभली रहस्य उपरू परदा हटाउची ताहा उपरे समस्तंकर नजर। ब्यूरो इनपुट सह सुशांत पट्टनायक, सकाळ खबर।